क्या आपको पता है कि जिस बॉडी पार्ट को आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, जो कि आपका दिमाग, इसके अंदर जो नेविगेशन सिस्टम है, जो नर्व्स हैं, उसके लेंथ को आप कैलकुलेट करोगे वो आएगा 850K किलोमीटर, 850,000 किलोमीटर, और धरती और चांद की डिस्टेंस मात्र 384,000 किलोमीटर है, 384,000। अब समझ लो कि ये कितना कॉम्प्लेक्स चीज है। और क्या आपने कभी ऐसे जानवर को देखा है जो कि ह्यूमन की तरह दिखे, हाइब्रिड्स? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 19, क्या आपने कभी इस क्रिएचर को देखा है? इसको कहते हैं वॉलरस। वॉलरस, और ये आर्टिक ओशन और हमारे दुनिया के, हमारे धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे पाया जाता है। इसका आप देख सकते हो कि आगे ऐसे दो दांत निकला होता है। ये वर्ल्ड के सबसे यूनिक क्रिएचर्स में से एक है। WLRUS, वॉलरस कहते हैं इसे। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि वॉशिंगटन DC में, अमेरिका में, एक संगठन है एटॉमिक साइंटिस्ट का, और वो लोग एक क्लॉक को बनाए हैं। इसके बारे में जान के आप सही में चौंक जाओगे। उसको कहते हैं डूम्सडे क्लॉक। इस क्लॉक में जब भी रात का 12 बजेगा, कभी भी अगर ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, तो समझ लो कि धरती अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। ये जो क्लॉक है, इसमें अभी 12 बजने में 100 सेकंड बचा हुआ है मात्र। अब आप बोलोगे 100 सेकंड तो वो तो अभी पार हो जाएगा, वैसा वाला 100 सेकंड नहीं। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल हर साल हमारे दुनिया में क्या हो रहा है उसके हिसाब से मिनट और सेकंड को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। साल 1991 में इस डूम्सडे क्लॉक में 17 मिनट बचा हुआ था, मतलब काफी सेफ थी हमारी दुनिया, ऐसा माना जाता है। और वही साल 2019 में मात्र 2 मिनट बचा हुआ था। ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारी दुनिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कितना खराब हो गया है, इसीलिए। और साल 2020 में मात्र 100 सेकंड बचा रहा, किस लिए? कोरोना के चलते। और किस लिए? क्लाइमेट चेंज, कोरोना और रिसेंट लड़ाइयां, इसके चलते मात्र 100 सेकंड पे इसको शिफ्ट कर दिया गया। सबको यही सोचते हैं कि ये जब कंप्लीट होगा, 12 बजेगा, तब पता नहीं क्या होगा। उसको 12 तभी बजा दिया जाएगा जब क्लाइमेट इतना खराब हो जाए, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो धरती पे गर्मी बढ़ रही है, ठंडा उतना नहीं हो रहा जितना पहले होता था, कंपेरेटिवली बात करें तो इससे हीट बढ़ रही है, तो ये जब असहनीय हो जाएगा तब आपको दिखेगा कि इस क्लॉक में 10 या 20 सेकंड बचे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बाप रे 100 सेकंड, ये हमारे करंट कंडीशन को दिखाता है कि कितना खराब है। गजब चीज है ये, गजब सा क्लॉक है ये, डूम्सडे क्लॉक। फैक्ट नंबर 17, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप बोलना ये क्या है। ये देखो, ये देखने में पेपर टॉवल या फिर टिश्यू की तरह लग रहा होगा, है ना? ये असल में बाल है। किसका बाल? भालू का बाल। जी हाँ, इंसान का जो बाल होता है नॉर्मल, वो ऐसा दिखता है, जूम में भी लग रहा है कि हाँ ये बाल है, लेकिन जो ये बियर का बाल होता है ये हॉलो होता है अंदर से, मतलब उनका जो बाल होता है वो खोखला होता है अंदर से, इसलिए आप इस जूम इमेज में एक छेद को देख पा रहे होगे बीच में। ये भालू का, बियर का हेयर है इन जूम्ड कंडीशन। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने गजब सी डिस्कवरी की, समुद्र के अंदर एक नया क्रिएचर दिखा जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है हमारे हिस्ट्री में। ऐसा कौन सा क्रिएचर? तो देखो, ये आर्टिकल नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, इसका नाम दिया गया कॉम्ब जेली, और साइंटिफिक नेम है डुओब्राचियम स्पार्क्सेई। ये जो यूनिक क्रिएचर है, ये हॉट एयर बलून होता है ना, कुछ वैसा दिखता है, उसको रिजेंबल करता है। बट अमेजिंग बात यही है कि आज तक ये नहीं फाइंड किया गया था, फर्स्ट टाइम सिंगल दिखा ये। न जाने अगर हम लोग समुद्र में जाके और भी सर्चेस किए तो क्या क्या निकलेगा सही में। फैक्ट नंबर 15, एक ऐसी मछली है जो कि क्रोकोडाइल जो होते हैं उसको भी खा लेती है। आप सोच रहे होंगे तो ये तो उल्टा होता है, ये आप उल्टा क्यों बता रहे हो? तो असल में एक ऐसी मछली भी है जो कि मगरमच्छों को खा जाती है, एक प्रजाति जिसका नाम है गोलियाथ टाइगर फिश। ये सबसे खूंखार मछलियों में से एक है, और इसके 32 दांत होते हैं, और ये काफी बड़े होते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। ये दुनिया में एक लौती ऐसी मछली जो कि मगरमच्छों को खा जाती है। फैक्ट नंबर 14, टैस्मेनियन जायंट क्रैब। क्रैब तो आपने देखा ही होगा, इतने छोटे छोटे होते हैं, बट क्या आपने कभी इतना बड़ा क्रैब को देखा है? ऐसे ऐसे क्रैब जो कि इंसान के हाफ साइज के होते हैं,
इसका नाम है टेस्मेनियन जायंट क्रैब और ये वर्ल्ड के सबसे बड़ी क्रैब की प्रजातियों में से एक है। मतलब आप सोचो, अगर इस क्रैब को आपके रूम में रख दिया जाए और वो आपके सामने चल के आ रहा हो तो आपको लगेगा कि कोई मूवी का कोई क्रिएचर आ गया है। जो मूवी में नहीं, बड़े बड़े क्रैब होते हैं जो कि बिल्डिंग्स को तबाह कर रहे होते हैं, ऐसा टाइप का सीन, वैसे ही टाइप का आपको दिखेगा ये सामने में, बहुत क्रीपी लगेगा, बड़े बड़े होते हैं बहुत ही। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि नासा ने पहली बार एक प्रॉपर सोलर सिस्टम का पिक्चर लिया है, एक ऐसा सौर मंडल जिसमें तारे हैं, प्लैनेट्स हैं और वो साफ साफ क्लियरली 100% विजिबल है, वो नासा को मिला। और ये देखो उससे रिलेटेड आर्टिकल, इसको कहा जाता है फर्स्ट एवर इमेज ऑफ ए मल्टी प्लैनेट सिस्टम अराउंड अ सन लाइक स्टार। इसको यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO के VLT मतलब वेरी लार्ज टेलीस्कोप, सिंपल सा फुल फॉर्म है, उसी VLT ने इसका पिक्चर लिया। ये हमारे धरती से 300 लाइट ईयर दूर है और इसका नाम है TYC8998-760-1। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि नील स्ट्रॉन्ग जो कि चांद पे गए थे, अब आपको पता ही होगा कि स्पेस सूट पहन के चांद पे जाना जितना सुनने में भी वैसे इजी नहीं लगता, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत रिस्की चीज है। स्पेसशिप क्या हो जाए, ठीक से रिटर्न कर पाए या नहीं, पहुंच तो गए लेकिन रिटर्न कर पाएंगे कि या नहीं चांद से, ये सब रिस्क था और वो भी उस टाइम जब टेक्नोलॉजी उतनी भी विकसित नहीं थी कि हम 90% एटलीस्ट सेफ्टी प्रोवाइड कर पाए, अनलाइक नाउ। तो नील आर्मस्ट्रांग ने काम किया था, उन्होंने बहुत सारे इनवेलॉप्स पे साइन करके रखा था, मतलब वो रेडी थे कि मतलब अगर कुछ घटना हो जाए, अगर मैं ना लौट पाऊं तो एटलीस्ट मेरा जो हैंड रिटन सिग्नेचर है। अब वो गए चांद में तो पॉपुलर तो होना ही है, सिग्नेचर की वैल्यू तो होनी ही है और वो भी ओरिजिनल सिग्नेचर, इसलिए बहुत सारे इनवेलॉप्स में नील आर्मस्ट्रांग ने साइन किया ताकि उनके फैमिली को सपोर्ट मिल पाए, पैसे मिल पाए अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। फैक्ट नंबर 11, एक अजीब टाइप का जानवर होता है जिसका एक अजीब टाइप का प्रॉब्लम है, बबीरूसा पिग। ये सुअर जो होते हैं ना, इसको कहा जाता है डेंटल प्रॉब्लम वाले सुअर्स, ऐसे सुअर जिनका एक दांत का दिक्कत है, कहें तो क्या दिक्कत है, इनको कहा जाता है अ वाइल्ड पिग विथ अ डेंटल प्रॉब्लम। ये इसलिए क्योंकि ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे लंबे लंबे दांत इनके उगते हैं और ये इतने लंबे उगते हैं और बैकवर्ड्स घूमने लगते हैं वापस कर्व होके कि ये स्कल में भी इंटर कर जाते हैं, मतलब वो बढ़ते बढ़ते और चमड़े को पेनिट्रेट करते हुए स्कल के अंदर घुस जाते हैं, हड्डी के अंदर घुस जाते हैं एंड ये प्रॉब्लम उनको जिंदगी भर सहनी पड़ती है। नेचर का अजीब सा चीज है, क्यों होता है पता नहीं। फैक्ट नंबर 10, लोगों को मतलब आप एक चीज बताना जब भी कोई मिले तो, मिलियन और बिलियन, जो लोग मिलियन बहुत कहते हैं ना, बहुत को 1 मिलियन, 2 मिलियन या फिर 1 बिलियन, तो जो मिलियन और बिलियन की बात करते हैं उनको आप एक चीज बता देना कि मिलियन और बिलियन दोनों बहुत ही अलग चीज है। मिलियन जो है ना वो कुछ भी नहीं है बिलियन के सामने। अब सेकंड को ले लेते हैं, अब कोई कहे 1 मिलियन सेकंड्स, तो 1 मिलियन सेकंड मतलब होगा 11 दिन, 11 दिन मतलब 1 मिलियन सेकंड्स। लेकिन जब वही बात आई कि 1 मिलियन सेकंड और 1 बिलियन सेकंड, तो बिलियन कुछ होगा 11 के बदले, शायद 11 दिन के बदले शायद 1000 दिन होगा, ऐसा कुछ मिलियन बिलियन। लेकिन 1 बिलियन सेकंड को आप अगर काउंट करोगे तो वो 31 साल आएगा, 31 साल। 1 मिलियन सेकंड इक्वल टू 11 डेज और वही 1 बिलियन सेकंड जो कि जस्ट मिलियन के बाद का टर्म है जो कि हम ह्यूमंस यूज करते हैं, तो 1 बिलियन सेकंड मतलब 31 साल। फैक्ट नंबर 9, हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के प्रोटीन और न जाने क्या क्या चीजें पाई जाती है, उसमें एक होता है प्रोटीन जिसका नाम दिया गया है और उसको अक्सर पिकाचू से डिपिक्ट किया जाता है, जिसका नाम है पिकाचूरिन। पिकाचूरिन नाम ही है इस प्रोटीन का एंड जब भी इसको डिपिक्ट किया जाता है तो अक्सर पिकाचू का इमेज को चिपका दिया जाता है। मतलब यहाँ अजीब बात यह है कि एक कार्टून के ऊपर कोई प्रोटीन का नाम नहीं होना चाहिए साइंटिफिक लैंग्वेज में, लेकिन इसका ऑफिशियल नेम ही पिकाचू रिन है जो कि काफी फनी है, पिकाचू रिन प्रोटीन। और एक यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, पहले हार्वर्ड का ये आर्टिकल देखो, हार्वर्ड के ये आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि आपके बॉडी में 10,000 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि उस
ह्यूमन को बनाते हैं जो कि आप हो। 10,000 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। फैक्ट नंबर 8, एक इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं पिनोचियो इफेक्ट। पिनोचियो इफेक्ट इस इमेज पे आप देख पा रहे होंगे। क्या है कि जब आप एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेंटल प्रेशर से गुजरते हो या फिर बहुत ज्यादा आप टेंशन लेते हो फेस पे, बहुत जब आप टेंशन लेते हो तो आपका पूरा बॉडी टेंस होने लगता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत अजीब बिहेव करने लगता है। तो स्पेसिफिकली जो आपका नोज का एरिया है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। आप इसमें देख सकते हो, हीट मैप है ये, कि जब कोई एंग्जाइटी या टेंशन में होता है तो उसका जो नाक का एरिया होता है वो कितना ज्यादा गर्म है, पूरा रेडिश है। बाकी तो गर्म है ही, लेकिन वो एरिया सबसे ज्यादा गर्म होता है, ये वाला एरिया। इसी को साइंटिफिकली पिनोचियो इफेक्ट कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, बहुत सारे म्यूजियम्स में ऐसे क्रिएचर्स को डिपिक्ट किया जाता है। ये फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स है ह्यूमन हाइब्रिड का। तो इससे ये सवाल आता है कि क्या ऐसा सही में पॉसिबल है? तो देखो, बात ये है कि ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड जो है वो अभी तक सिर्फ जापान में ही अप्रूव हुआ है और वहाँ एक्टिवली काम चल रहा है, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख रहे हो। इसमें एक एक्सपेरिमेंट की बात की गई है जहाँ पर जापानीज वैज्ञानिक एक रैट चूहे के एम्ब्रायो में ह्यूमन सेल डाल के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ऐसा करने पे क्या बनेगा वो ह्यूमन रैट का मिक्सचर। ये कितना अजीब लग रहा सुनने में, लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अभी चल रहे हैं, कोई बड़ा सा क्रिएचर वरीचर ना बन जाए। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि म्यूजिक जो है वो हमारे हार्ट बीट को भी इफेक्ट करता है। जब कोई बहुत तेज रॉक ऐसा टाइप का म्यूजिक सुन रहा होता है तो उसका हार्ट बीट स्पीड अप हो जाता है, और जब बहुत कोई सैड सॉन्ग या फिर कोई कामिंग म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो एक्चुअल में ब्रेन और हार्ट काम हो जाता है बहुत। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि आप सैड सॉन्ग क्यों पसंद करते हो, सैड सॉन्ग तो सैड होते हैं, वो तो सुनने के बाद दुनिया और ख़राब लगने लगेगी, लेकिन वैसी बात नहीं है। सैड सॉन्ग से बहुत लोग प्लेजर को लेते हैं, शायद आप भी सुनते होगे सैड सॉन्ग, उससे प्लेजर आता है। तो वो प्लेजर इसलिए आता है क्योंकि वो एक्चुअली में आपको काम करता है, बहुत शांत करता है, जो कि ज़रूरी है, और इसलिए आपका माइंड सैड सॉन्ग को पसंद करने लगता है। ये नहीं कि वो सैड है उससे और दुनिया का इमेज सैड हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। उल्टा इफेक्ट पड़ता है, और उल्टा आप काम होते हो और आप और रिफ्रेश फील करते हो, इसलिए लोग सैड सॉन्ग पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है एक बात गोरिलाज के बारे में, कि गोरिलाज जो है उसको अगर आप इतने पानी में भेज दो गोरिला को कि वो गोरिला के छाती तक आए, उतने अगर पूल में वो चला जाए तो उतने में ही वो डूब जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि उतना ही पानी है तो वो कैसे डूबेगा, उसके लिए तो सर के ऊपर पानी होना चाहिए ना, लेकिन वो एक्चुअली में पानी से डरते हैं। जी हाँ, फैक्ट ये है कि गोरिलास जो है वो पानी से डरते हैं, एंड इसी चीज का मेंशन आप इस आर्टिकल में देख सकते हो। गोरिलास को जनरल जंगल का किंग माना जाता है, मतलब वो शेरवर तो है ही किंग, लेकिन ये भी काफी डोमिनेंट एक्ट करते हैं बाकी जानवरों के कंपैरिजन में, लेकिन ये पानी से डरते हैं, कितनी फनी बात है। फैक्ट नंबर 4, पहले आप इस आर्टिकल को देखो, इसमें एक 66 मिलियन साल पुराने अंटार्कटिका में फाउंड किए गए एग के बारे में मेंशन है, एक अंडे के बारे में, और ये एक्चुअली में एक डायनासोर का अंडा है जो की प्रिजर्व्ड स्टेट में मिला वैज्ञानिकों को। ये मिला था साउदर्न चाइना में, और सबसे अमेजिंग बात है कि ये परफेक्टली प्रिजर्व्ड था, मतलब 66 मिलियन साल पुराना होने के बावजूद भी, मतलब करीब 6,60,00,000 साल पुराना होने के बावजूद भी ये परफेक्टली प्रिजर्व्ड था, अच्छे कंडीशन में था। इस अंडे पे अभी भी रिसर्च चल रही है। अब बस डर यही है कि वैज्ञानिक लोग इसके अंदर से जीनोम निकाल के वापस डायनासोर को नहीं जिंदा कर दे। फैक्ट नंबर 3, सोलर पैनल्स के बारे में एक क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों के मन में, कि क्या सोलर पैनल जब आसमान में बादल होता है तब काम करता है? तो इसका आंसर है हाँ, इवन ऑन क्लाउडी डेज सोलर पैनल काम करता है, लेकिन वो उतना इफिशियंटली नहीं करेगा, मतलब पूरी कड़ी धूप होने पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका 25 से 30% होता है। इसका मतलब आप समझो कि पूरा अगर बादल घेरा भी हुआ है तब
तब भी कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ही। डायरेक्ट सनलाइट जो है वो जब नहीं भी होता है, जब बादल पूरा सन को घेरे रहता है, तब भी थोड़ी रात हो जाता है, तब भी कुछ मात्रा में लाइट आती है, तभी तो दिन दिन रहता है। और बादल जो है वो सन से निकले फोटॉन्स को नहीं रोक पाती है। नहीं तो अगर मान लो किसी पैरेलल यूनिवर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स है, तो फिर जब भी बादल सन को पूरा घेरता तो दिन में ही पूरा रात जैसा दिखने लगता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स के बादल उतने पावरफुल नहीं है कि वो सन के फोटॉन्स को रोक पाए। फैक्ट नंबर टू, एक टर्म होता है पिस्टेंट्रोफोबिया। ये यूज होता है उस फियर के लिए जिसमें आपका कोई पार्टनर होता है बट आप उस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। फियर ऑफ ट्रस्टिंग पीपल। अब अलग अलग टाइप के फोबियाज होते हैं, तो इसमें जो फियर ऑफ ट्रस्टिंग अदर पर्सन है उस पे आप भरोसा नहीं कर पाते हो और ये चीज बहुत ज्यादा है आप में, तो इसी कंडीशन को ये कहा जाता है पिस्टेंट्रोफोबिया। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन के अंदर जो नेविगेशन सिस्टम है उसका लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से 8 लाख किलोमीटर के बीच में होता है। मतलब आपके अंदर जो ब्रेन के अंदर नर्व्स मौजूद है, नर्व्स, उसको अगर हम लोग अनकॉयल करें तो वो 8,50,000 किलोमीटर तक होता है। मतलब उस नर्व को निकाल के अगर आप अनकॉयल करना शुरू करो तो धरती और चांद से भी दूर लंबा वो रहेगा। मतलब सोचो कि सिर्फ इसी के अंदर का जो सिस्टम है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ब्रेन बहुत ही गजब चीज है। मतलब जब भी आप कुछ सोचते हो ना, जैसे कि आप सोचो एक लाल कलर की गाड़ी के बारे में, तो जब मैंने बोला लाल कलर की गाड़ी तो आपके मन में आया होगा लाल कलर की गाड़ी। तो जब ये मन में आ रहा है ना, तो ये एक्चुअली में नए कनेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं आपके ब्रेन के अंदर, और उसी के चलते आप इमेजिन कर पा रहे हो लाल कलर की गाड़ी। तो सिंपली एक चीज के बारे में सोचना और उसको विजुअलाइज करना, तो ये भी बहुत अमेजिंग सी चीज है। ब्रेन में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तभी आप लाल गाड़ी के बारे में सोच पा रहे हो। उस रिएक्शन को रोक दिया जाए तो आप सोच ही नहीं पाओगे कुछ भी लाल गाड़ी या कुछ भी चीज के बारे में। सब इसके अंदर हो रहा है। आपका ब्रेन का हर एक सिनेप्सिस जो होता है वो एक दूसरे से बात कर रहा होता है। दे आर ऑल टॉकिंग टू वन अनदर, इसलिए वो कनेक्शंस बन पा रहे हैं। और सबसे अजीब बात सोचने में ये लगती है कि इतना कुछ है लेकिन ब्रेन तब भी 70% वाटर है, पानी है। इसलिए थोड़ा सा भी डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना हमारे बॉडी को इतना इफेक्ट कर देता है। इतना कॉम्प्लेक्स सा चीज और 70%, ये आधे से ज्यादा पानी ही है प्योर। बाप रे बाप, क्या चीज है ये। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।